सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। फास्ट रखना है इसलिए फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पपाया जेल यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी जेल या क्रीम पसंद हो आप उसे मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि आगे का जो मेकअप है अच्छे से सेट हो जाएगा स्किन पे और पोर्स भी दिखाई नहीं देंगे। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको डॉट डॉट करके आप अपने पूरे फेस पे, ईयर पे और नेक पे लगा लीजिए और मैं अपने फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। कोई भी ब्लेंडर या ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हाथों का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे नेक पे, ईयर पे, जिससे कि ईयर और नेक का कलर अलग से अलग दिखाई ना दे। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ भी दाग धब्बे हैं मुझे थोड़े से वहाँ मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और अंडर आई पे भी कंसीलर अप्लाई करूँगी। इसको भी मैं अपने फिंगर से ही अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, अच्छे से स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रश और ब्लेंडर यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर से अपने सारे स्पॉट्स को हाइड कर लिया है। अब मैं आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। तो पिंक कलर लेकर मैं आउटर वी कॉर्नर पे पिंक कलर से डैप करूँगी ब्रश की हेल्प से, और दोनों आईज़ पे सेम ऐसे ही करना है। और डैप करने के बाद हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद लोअर लैश लाइन पे भी पिंक कलर से एक लाइन क्रिएट करेंगे। इसके बाद मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ, उससे इनर कॉर्नर पे डैप करूँगी और फिर दोनों कलर को ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आई शेडो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। आप चाहें तो कोई भी शिमर कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसके मिड पॉइंट पर मैं कोई भी शिमर कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आईब्रोज़ की दोनों साइड, जिससे कि आईब्रो काफ़ी शार्प नज़र आती है और काफ़ी अच्छा लुक देती है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप ग्रे कलर, ब्लैक कलर से भी फिल कर सकते हैं, पर आईब्रो को फिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी एक अलग सा ही लुक क्रिएट होता है। और जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है वो मैं रिमूव कर दूँगी और फिर ब्रश की हेल्प से ये सेट कर दूँगी। आई मेकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई मेकअप से आपके जो पिक्स हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद अपर आई लैशेस पे भी काजल अप्लाई कर रही हूँ और नीचे भी काजल अप्लाई करूँगी। और काजल अप्लाई करने के बाद इसको मैं ब्रश की हेल्प से स्मश कर लूँगी, जिससे काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट होता है और काजल अच्छे से सेट नज़र आता है। तो ये ब्रश की हेल्प से मैंने इसको सेट कर लिया है। इसके बाद मैं मस्कारा लगाने वाली हूँ। तो मैं दोनों आईज़ पे मस्कारा लगाऊंगी। मैं मिस क्लेयर का मस्कारा मैंने यूज़ किया है। अब सारे मेकअप को मैं सेट करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं ऑलरेडी अब मॉइस्चराइज़ कर चुकी थी। तो मैं इधर नायका का पिंक कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आपके ड्रेस का जो भी कलर है आप उस कलर का लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, और आई शेडो भी इसी कलर का अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर का ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स पे, और मैं हमेशा ज़्यादा अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी, जिससे थोड़ा सा कम नज़र आएगा। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे, अपने फॉरहेड पे और अपने नोज़ पे। मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और आई के इनर कॉर्नर पर भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। मैं NYB के मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी, और ये था मेरा फाइनल लुक। अब मैं बिंदी और एक्सेसरीज़ और सिंदूर लगा के इस मेकअप लुक को अपना कम्प्लीट कर लूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेरा लुक पसंद आया होगा। काफ़ी इजी है, 10-15 मिनट में ये मेकअप लुक क्रिएट हो जाता है। और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जो बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।